ओके तो गिज चाइना की अभी अभी रिपोर्ट आई है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लेना कि मोटोरोला एक टैबलेट लेके आ रहा है इंडिया में फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के दौरान, ठीक है, तो वो अवेलेबल हो जाएगा खरीदने के लिए। अब मोटोरोला का टैब है तो सबसे बड़ा तो स्टॉक एंड्रॉयड वगैरह रहेगा, लेकिन पढ़ते हैं क्या है। पूरा इंग्लिश में आर्टिकल, इसमें वही लिखा है कि 91 मोबाइल्स को एक नोटेड टिप्स्टर ने कंफर्म किया है कि एक अफोर्डेबल टैबलेट आ रहा है। अब अफोर्डेबल टैबलेट तो रियलमी पैड को कंपटीशन में ही आएगा, तो 15,000 के अराउंड। और सोर्स ये भी क्लेम कर रहा है कि वो एक रीब्रांडेड टैबलेट होगा लेनोवो का, ठीक है। तो लेनोवो का अगर मैं दिखाऊं तो लेनोवो का एक टैब है M10 सेकेंड जेन, ठीक है, ये फ्लिपकार्ट पे अभी भी अवेलेबल है अगर आप देखो तो। और इसके स्पेसिफिकेशन प्राइस देख लो पहले, 17,499। तो ये 5G+4G मॉडल का प्राइस है, तो जाहिर सी बात है कि बिग बिलियन डे में और कुछ सस्ता होगा ही। तो रियलमी पैड की जो अभी प्राइस है 15,999, उससे भी मैच कर सकता है, उससे लोअर भी हो सकता है। स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, 10.1 इंच की HD डिस्प्ले है IPS, और अल्मीनियम अलॉय कवर है, तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगेगी। डुअल स्पीकर्स है, रियलमी में 4 स्पीकर हैं तो वहाँ पे ये थोड़ा सा कम है। और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अब फिर प्रोसेसर का नाम नहीं दिया तो ज़रूर कोई बेकार प्रोसेसर होगा, ठीक है। तो यहाँ स्पेसिफिकेशन लिस्ट में देख लेते हैं, मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर है। तो देखो ये प्रोसेसर तो G80 के सामने बहुत वीक है, तो ये बस इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये टैबलेट हो सकता है, इंटरटेनमेंट और स्टडी, गेमिंग तो भूल ही जाओ, ठीक है, अगर यही आया तो रीब्रांड हो के, ठीक है। और वही 4G LTE सपोर्ट करता है, GSM के बैंड्स हैं, 4G के भी कुछ बैंड्स हैं, 1280x800 pixels, 8 megapixel का प्राइमरी कैमरा, सिंगल सिम, LPDDR4 रैम, 5000 mAh बैटरी। तो रियलमी पैड में 7100 mAh बैटरी है, तो वहाँ भी एक कम हो जाता है। और फ्रंट कैमरा है सिर्फ 5 megapixel का। तो देखो इसका वही सीन है कि अगर ये सच में बहुत सस्ता आया तो ही ये कुछ कर सकता है, और स्टॉक एंड्रॉयड के कारण थोड़ा सा चांस है बढ़ने की सेल, लेकिन रियलमी पैड फिर भी बेटर ऑप्शन है। और ICICI कार्ड अगर आपके पास है तो डिस्काउंट लगेंगे। और USB टाइप सी पोर्ट है, 3.5mm जैक है, माइक्रोएलईडी सपोर्ट है वगैरह वगैरह, ठीक है। 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, ये देख लो, एंड्रॉयड 10, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, मीडियाटेक हीलियो P22 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, गूगल किड्स स्पेस, TUV सर्टिफाइड डिस्प्ले, वो जो ब्लू लाइट फिल्टर के बारे में बात कर रहा था, रियलमी पैड और रेडमी पैड का कंपैरिजन भी है चैनल पे, उसमें बात किया था। और डॉल्बी एटमॉस साउंड, डुअल स्पीकर्स, 4G कनेक्टिविटी, VoLTE कॉलिंग, और 5000 mAh बैटरी, 8 hours प्लेबैक, ठीक है। तो ये सीन है, ये अगर मोटोरोला का ये रीब्रांड होके टैब आता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 332 वेरिएंट भी जो उसका है रियलमी पैड का, 13999 से स्टार्ट होता है और ओनली वाईफाई है, तो क्योंकि उसमें प्रोसेसर, स्पीकर और बैटरी ये तीनों चीज़ें ही बेटर हैं, तो ये अगर 13999 का आता है सेम प्राइस पे तो इसको कम से कम 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और वाईफाई प्लस
4G आना चाहिए। चलो फिर, बाय।